ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका स्वाद की रसोई में। और अब बढ़ते हैं हम हमारी आज की दूसरी डिश की ओर। हमारे कुकिंग एक्सपर्ट सुमन जी हमारे साथ हैं। सुमन जी, दूसरी डिश जैसे कि रसगुल्ला यहाँ पर दिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो रसगुल्ले से इंस्पायर्ड है, क्या डिफरेंट है इसमें? क्रीमी पान रसगुल्ले। क्रीमी पान रसगुल्ले। हम रसगुल्ले तो हमेशा यूँ खाते हैं, मार्केट से लाते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ डिफरेंट अलग किया जाए। तो मतलब आपने रसगुल्ले और पान, जो कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनके फ्लेवर्स को क्लब कर दिया है। तो जल्दी से हमें बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी और कैसे बनेगा ये? ये गुलकंद है जी, पान का पेस्ट और पान के क्रश रहिए जी, और ये नारियल क्रश किया हुआ जी, पीसी चीनी जी और ड्राई फ्रूट्स। तो ये सब चीज़ें चाहिए हमें इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए। और रसगुल्ले मेन, रसगुल्ले तो चाहिए, क्रीम और क्रीम, फ्रेश क्रीम होनी चाहिए जी। तो शुरू करते हैं हम इसको बनाना जी। जी फर्स्ट में हम क्या करेंगे, रसगुल्ले में क्या अक्सर रस रहता है जी, तो इसका रस हम बिल्कुल निकाल देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल प्यार से जी, ताकि रसगुल्ला जो है वो ब्रेक ना। हाँ, तो बहुत लाइटली इसको दबाकर। हाँ, बिल्कुल लाइट। रस क्यों निकाल लेते हैं इसका मतलब, रसगुल्ले की तो जो स्पेशलिटी होती है उसके रस से होती है? क्योंकि ना क्रीम में और फिर अंदर में अपन स्टफिंग करेंगे। अच्छा, तो वो भी एक मीठा निकाल लिया जाता है। ओके, पहले हम इसमें स्टफिंग के लिए हम तैयारी करते हैं। अच्छा, रसगुल्ले में अंदर स्टफिंग की जाएगी जी, जिसमें गुलकंद है, पान है, ड्राई फ्रूट्स हैं, नारियल है किसा हुआ, ये सारी चीज़ें, और ये क्रश पान एक चम्मच जी। हमें इसका हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुमन जी, पहली बार कब बनाई थी आपने ये डिश? ये फर्स्ट टाइम हमारी शादी को जब 20 साल हो गए थे तब मैंने इसको बनाई थी। तब आपने पहली बार ट्राई किया होगा जी, फर्स्ट टाइम, और ये सक्सेसफुल हो गई डिश। अब हम इसको बीच से हम कट लगाएंगे। अच्छा, हम ये चीरा लगाएंगे और हाँ, इसके बाद ये जो स्टफिंग है ये इसके अंदर। हाँ जी, ओके। तो रस हमने जो निकाला था उसका रीजन अब समझ में आ रहा है, ताकि आसानी से इसमें कट लग जाए, कट लग सके। अब हम इसमें इसकी स्टफिंग करेंगे जी। जी, अब इसके बाद अब हम क्रीम लेंगे जी। क्रीम में पीसी चीनी डालेंगे, बिल्कुल कम। ओके, क्योंकि रसगुल्ला ऑलरेडी अपना मीठा है और फिर अपन ने गुलकंद भी इसमें डाला है, थोड़ी सी चीनी डालेंगे इसमें, करीब आधा चम्मच। आधा चम्मच। और क्रीम कितनी लेना है? दो रसगुल्ले के लिए? दो रसगुल्ले के लिए 4 चम्मच। और ये पान का पेस्ट है? पान का पेस्ट है जी। ये हम इसमें मिक्स करेंगे 1 चम्मच। पान का पेस्ट है जो पहले से करके हमने रखा हुआ है, इसको क्रीम में डाला है। अब पान का फ्लेवर आएगा ना इससे? सुमन जी, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें डीप करेंगे इसे जी। तो रसगुल्ले को पूरी तरह से जो है क्रीम और पान के फ्लेवर में यहाँ पर नहलाया जा रहा है, और थोड़ा सावधानी बरतें आप इसको डिप करते समय, ताकि जो स्टफिंग है इसके अंदर की वो ना निकले, वो ना निकले। ठीक बात है सुमन जी? जी, बिल्कुल सही। और चारों तरफ से हमें इसको डिप करते हैं, और रसगुल्ले को भी कितना अच्छा लग रहा है, एक तो रसगुल्ला और ऊपर से क्रीम और अंदर गुलकंद। अंदर गुलकंद जी। हमें पान से गार्निश कर देंगे जी। ये हमारा क्रीमी पान रसगुल्ला तैयार जी। तो अब क्रीमी पान रसगुल्ले के बाद दूसरा कौन सा रसगुल्ला का? क्रीमी केसर रसगुल्ले। क्रीमी केसर रसगुल्ले, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट है पान रसगुल्ला और अब केसर रसगुल्ला। तो चलिए देखते हैं इसकी किस तरह की प्रोसेस है। लगभग सेम ही है, बिल्कुल सेम, सिमिलर है। तो इसी तरह से जैसे हमने पान रसगुल्ले में पहले जो रसगुल्ले हैं इनका जो रस है वो निकाल दिया था जी, इसी तरह इसे कट कर लगाएंगे। इसमें भी चीरा लगाएंगे जी, क्योंकि इसमें अपने स्टफिंग नहीं करनी है, इसके अंदर में क्रीम केसर डीप रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा जी। दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें स्टफिंग की थी हमने और इसमें कोई स्टफिंग नहीं है। अब इसमें क्रीम की हम प्रिपरेशन करेंगे, जो फ्रेश क्रीम है इसमें क्या क्या चीजें डालेंगे? इसमें हम चीनी डालेंगे पहले तो, ठीक है, वही 4 टेबल स्पून। हाँ, जो क्रीम थी उसमें 1/2 टीस्पून हमने पिसी हुई चीनी डाली है, इस बात का ध्यान रखें। और इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मैश, हल्के हाथों से मैश करें।
हमने ये केसर पहले से दूध में भिगो के रखी हूँ ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। वाकई बहुत ही अच्छा केसर का कलर आया, एकदम जो रेडिश ऑरेंज कलर होता है वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इसे मिक्स करें जी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्रीम में केसर हमने मिक्स किया है, रसगुल्ले हमने पहले ही जो उसका रस निकाल कर कट कर कर रखे थे, और अब जैसे कि आपने देखा है कि रसगुल्ले को डिप किया है हमने क्रीम में, इसमें कोई स्टफिंग नहीं की थी और सीधे इसे अंदर डिप किया है ताकि वो जो केसर और क्रीम का फ्लेवर है वो ही अंदर तक रसगुल्ले में चला जाए और जब आप इसे खाएँ तो आपकी जुबान पर ये सारे फ्लेवर्स आपको आएँ। ये सोचा कैसे था आपने सुमन जी की रसगुल्ले के साथ भी एक्सपेरिमेंट? एक्चुअली मैं बंगाल से हूँ जी, तो वहाँ के रसगुल्लों का छेनों का, एक्चुअली पनीर को वहाँ छेना बोलते हैं जी, तो छेनों का चलन कुछ ज़्यादा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग डिफरेंट किया जाए इसके साथ। अब हमारे ये तैयार हैं, अब हम इसे केसर से इसकी गार्निश करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम देखते ही किसी के भी मुँह में पानी आ जाए। टेस्टिंग के लिए क्रीमी पान रसगुल्ला मेरे हाथ में है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं। रस हमने चूंकि इसका पहले निकाल दिया था इसलिए अभी ज्यादा रस इसमें है नहीं। सुमन जी, बाय गॉड अगर मैं एज अ पर्सन आपको बताऊं मुझे रसगुल्ला पसंद नहीं है, लेकिन ये जो पान का फ्लेवर आपने इस रसगुल्ले के साथ दिया है किसी को भी पसंद आ सकता है। लगभग सेम ही प्रिपरेशन है, ये भी करीब 10 मिनट में बन जाता है, और आप चाहे तो रसगुल्ला एक ही बार में लाके और दो अलग अलग तरह की डिशेस पेश कर सकते हैं। इसका फायदा हाँ ये है, और फिर इसमें हम और भी फ्लेवर दे सकते हैं जी। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका, आप भी अपने घर में इसे जरूर बनाएं। और ये जो क्रीमी पान रसगुल्ला है, क्रीमी केसर रसगुल्ला है, मैं फिलहाल इसका स्वाद लेती रहती हूँ, लेकिन आप अपने घर में इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी। क्रीमी पान रसगुल्ला बनाने के लिए आपको चाहिए छेने के रसगुल्ले, गुलकंद, क्रश किया हुआ नारियल, बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स, बारीक कटा पान, पान का पेस्ट, पिसी हुई चीनी, फ्रेश क्रीम। क्रीमी पान रसगुल्ला बनाने की विधि, सबसे पहले रसगुल्ले का रस निकाल लें, गुलकंद, क्रश्ड पान, क्रश्ड नारियल और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर मिश्रण तैयार करें। रसगुल्ले को बीच से काटकर उसमें तैयार मिश्रण की स्टफिंग करें। 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम लें, क्रीम में पिसी शक्कर और पान का पेस्ट मिलाएं। स्टफ्ड गुलाब जामुन को तैयार मिश्रण में डीप करें। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, और सी लाजवाब और दिलचस्प रेसिपीज के लिए आप देखते रहिए IBC 24 पर स्वाद की रसोई।